हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइडोफाई। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रमन सदाना। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी बाइक जो कि एक कॉमन बाइक है जिसका नाम है अपाचे। वो इस तरीके की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हमने कभी भी नहीं सोचा था, और वो है कैफे रेसर जो कि हमने अपाचे में बनाई है। तो सबसे पहले आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स आप देखिए, उसके बाद हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इसके सिनेमैटिक शॉट जो है वो पसंद आए होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी फैब्रिकेशंस के बारे में। जो हमारी जो फैब्रिकेशन जो है, जो उसपे हमने काम किया है, तो हम बात कर रहे हैं इसके सबसे पहले इसके टैंक के बारे में। जो टैंक आगे से फिनिशिंग अगर आप देख रहे हो, विपिनर टैंक हमने इसमें हमने बनाया है जो कि काफी लोगों को पसंद आएगा। और इस पे अगर आप देखेंगे कि इस पे हमने जो इसका जो वाइजर जो है वो हमने मेटल का बनाया, एक न्यू शेप का हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू हमारा जो एक मीटर जो होता है उसके हिसाब से, कि काफी अच्छे तरीके से ये लग सके। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं, हमने इसकी कस्टम सीट बनाई है जो कि आप देखते हैं कि कैफे रेसर जो होता है, जो होती है, उसको किस तरीके से हम इसमें एंगल हम बनाते हैं, इसमें हमने काम किया है पूरा। बैटरी कवर प्लेट हमने इसमें बनाई है कि यहाँ पे नीचे जो होती है वो बैटरी होती है, उसको कवर करने के लिए कि भाई ज्यादा ऑकवर्ड ना लगे, तो इसको हमने कवर हमें इस चीज में हमने बनाया है। और उसके बाद हमने इसका जो मड गार्ड जो है, ये मड गार्ड हमने छोटा सा बनाया है, वो इस करके हमने बनाया है कि जो पिक्चर हमने जो देखी थी, जो कि हमारे जो कस्टमर कहते हैं कि मुझे इस तरीके का हमने ये चीज बनानी है, तो उसको देखते हुए हमने ये मड गार्ड हमने ये बनाया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, जैसे अब आगे फ्रंट में हम बात करते हैं इसकी हमने टी चेंज हमने इसमें हमने करी है। टी के साथ हमने इसमें चौकर कप हमने इसमें लगाए हैं, चौकर रबड़ हमने इसमें लगाए हैं। आगे का मड गार्ड हमने अकॉर्डिंग टू जो इसके जो टायर का जो साइज है उसके हिसाब से हमने बनाया है विद फिटिंग के साथ। और पीछे का जो मड गार्ड जो है वो मैंने आपको आपको बारे में मैंने बता ही दिया है। तो अब हम बात हम इसमें हम करते हैं आपके इसके एक्सेसरीज के बारे में। ब्यूटीफुल हमने इसमें आपकी लाइट लगाई है एलईडी विद, हमने रिंग के साथ हमने लगाया है, साथ में हमने डोम लगाए हैं, हार्ले स्टाइल इंडिकेटर हमने इसमें लगाए हैं, राइजर लगाया है। और ये जो आप हैंडल जो आप जो देख रहे हो, ये बहुत कंफर्ट हैंडल है जिसके हिसाब से बंदा आराम से जो है वो राइड कर सकता है। और इसके बाद हमने जो इसकी जो हमने जो टेल लाइट जो हमने जो लगाई है वो हमने पीछे मडगार्ड के हमने पीछे हमने लगाई है कि कोई भी अगर आप जा रहे हैं तो पीछे वाला जो है वो आराम से इसके मतलब कंसिडर कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं इसके बैंड पाइप जो रैप जो है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो हमने जो लगाया वो काफी अच्छा उसमें जो लग रहा है। और एग्जॉस्ट जो आप जो देख रहे हैं ये ज्यादा लाउडर नहीं है, हल्का लाउडर है कि जो इसकी जो आवाज जो है वो इसको इनहेंस कर सके। तो और बाकी हमने जो इसका जो पेंट के बारे में हम बात करते हैं, जो पेंट जो है वो हमने ब्लैक मैट हमने पेंट हमने किया है क्योंकि ये कस्टमर की चॉइस थी, तो इस करके हमने ये चीज बनाई है। फिनिशिंग आप देख पा रहे हैं, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि किस एक एक चीज जो है वो हमने एक अपनी आइडिया से अपनी टीम से सारी चीजें पता करके हमने ये चीज हमने बताई है। उसके बाद हम बात हम करते हैं कि इसके टायर्स जो हमने जो लगाया है, आगे हमने 120 नंबर का टायर लगाया है विद 17 इंचेस अलॉयस के साथ, और हमने पीछे का जो टायर जो हमने लगाया है वो 130 नंबर का टायर हमने लगाया है 18 इंचेस में। ये हमने इस तरीके क्योंकि इस जो सीसी की जो गाड़ियां जो होती हैं ज्यादा ब्रॉडर हम टायर नहीं लगा सकते, इस करके हम जो चीजें जो हैं वो हम इस तरीके से हम बनाते हैं कि लुक भी अच्छी आए और टायर भी जो है वो हमारा जो पीछे से काफी हल्का ज्यादा ब्रॉडर ना लगे, ज्यादा ना लगे पर कम लगे, और ये गाड़ी की जो स्पीड जो है उसके हिसाब से हम इसमें टायर हमने इसमें फिट करे हैं। तो ये है सर हमारी जो सारी जो मॉडिफिकेशंस हैं, सारी जो चीजें जो हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे इसके फुटरेस्ट हैं, ये फुटरेस्ट जो है ये काफी लोग बढ़िया इसमें लगते हैं, KTM के जो फुटरेस्ट जो है वो हमने इसमें हमने लगाए हैं। कुछ चीजें जो होती हैं जो कस्टमर की चॉइस है, कुछ चीजें जो है वो हमारी चॉइस है, उसी के हिसाब से हमने ये सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है। तो आपने हमें बताना है एक एक चीज कि आपको ये बाइक कैसी लगी, क्या इसमें चीज अच्छी लगी,
तो वो आप हमें जरूर बताएं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बाइक पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।